गुलाब मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला फूल है। इसमें कांटों के बावजूद भी लोग इसे बहुत ही पसंद करते हैं। कई बार लोग कहते हैं गुलाब उगाना सबकी बात नहीं है। कई सारे लोग ये शिकायत करते हैं गुलाब में फूल नहीं आते हैं, पर गुलाब लगाना और उसमें ढेर सारे फूल लाना बहुत ही आसान है। गुलाब को बस तीन चीज़ों की बहुत ही ज़रूरत होती है। पहला, पानी। गुलाब को रोजाना एक बार पानी चाहिए। दूसरा, धूप। गुलाब को रोजाना 3 से 4 घंटे धूप चाहिए। इसी से आपके गुलाब में खिल के फूल आएंगे। तीसरा, खाद। गुलाब में आपको हर एक महीने खाद की जरूरत होती है, इसलिए आप हर महीने बेस्ट क्वालिटी का खाद गुलाब में जरूर डालें। कहा जाता है गुलाब को खाद और पानी का प्यासा कहा जाता है। आप हर महीने इसमें खाद डालेंगे तो आपके गुलाब में ढेर सारे फूल आएंगे। मैंने 5 इंच के गमले में बेस्ट क्वालिटी की पोटिंग सॉइल डाला था और उसके बाद मैंने सिर्फ एक गुलाब की टहनी को मैंने लगाया था। 2 महीने के बाद आप देख सकते हैं इसमें पौधे भर कर आए हैं और खूबसूरत फूल इसमें खिल आए हैं। ये पास से दिखा देता हूँ। आप इसमें सिर्फ फूल देख रहे हैं, इसमें फूल नहीं बल्कि कई सारे और कलियाँ हैं। इसमें और भी कई फूल आएंगे। आपको मैं बता दूँ, जब ये फूल की पंखुड़ियाँ झड़ जाए तो आप यहाँ से काट के हटा दें। इस प्रोसेस को डीहेडिंग कहते हैं, यानी इसको जब आप हटा देंगे तो इसमें कई सारे और भी ब्रांचेज निकलेंगे जिसमें कई सारी कलियाँ आएंगे और ढेर सारे आपको फूल देखने को मिलेंगे। गुलाब में कौन सी खाद डालनी है ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। वैसे ऑर्गेनिक का मतलब सिर्फ गोबर की खाद या केचुए की खाद नहीं होता है। वैसे मार्केट में लोग ऐसे ही बेच रहे हैं। आपको जानना होगा कि गुलाब को नाइट्रोजन की बहुत ही ज़रूरत होती है। इसके लिए आपको यूरिया या एनपीके डालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें गौमूत्र या का यूरिन ही काफ़ी है। इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप इसका डायरेक्ट इस्तेमाल अपने पौधे पर ना करें। इसे आप फिल्टर करके और कुछ प्रोसेस करके ही तैयार किया जाता है। और ये आप जो रोज फूड देख रहे हैं इसमें इसी यूरिन को प्रोसेस करके इसका कुछ ही रेशियो में मिलाया गया है, जिसका इस्तेमाल आप अपने पौधे में कर सकते हैं। पौधे में आयरन की बहुत ज़रूरत होती है। उसके लिए आयरन को लैटराइट सॉइल से निकाला जाता है, क्योंकि लैटराइट सॉइल में आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसको फिल्टर करके निकाला जाता है। मैग्नीशियम सल्फेट या एप्सम साल्ट भी गुलाब के पौधे में ज़रूरत होती है। ये आपके पौधे की ग्रोथ को बढ़ाता है, इसलिए इसका इस्तेमाल थोड़ी थोड़ी मात्रा में होती है। इसके साथ सल्फर। सल्फर की ज़रूरत पौधे को खाने बनाने में यानी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में ज़रूरत होती है, इसलिए सल्फर का भी इस्तेमाल थोड़ी मात्रा में किया जाता है। ये सब इस्तेमाल करना आपके लिए तो आसान लग रहा होगा, लेकिन ये सब झंझट से आप बचना चाहते हैं तो आप रेडी टू यूज फर्टिलाइजर का इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे में कर सकते हैं। वैसे तो आप इसका इस्तेमाल अपने गुलाब के पौधे में हर महीने करें। इसका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है। आप अपने पौधे के साइज के अनुसार इसका इस्तेमाल करें, और इसका इस्तेमाल कैसे करनी है ये सारे डिटेल आपको बैक साइड में दिया हुआ है। इसे आप पढ़कर इसका इस्तेमाल अपने पौधे पर कर सकते हैं।
नथिंग इज इम्पॉसिबल, स्टार्ट गार्डनिंग टुडे विद संसार ग्रीन। हमारा उद्देश्य है पूरी दुनिया में प्लांटेशन हो और हर घर में फूल खिले। इसके लिए हमने प्लांटेशन के कई इवेंट देश के अलग अलग हिस्सों में आयोजित करते हैं। इसमें हर एक उम्र के और हर एक तबके के लोग खुशी खुशी और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इसमें आइए जानते हैं इसमें वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्ण देव सिंह का क्या विचार है और इस इवेंट में शामिल होकर उन्हें कैसा लगा, उन्हीं से जानते हैं। बहुत लोग जुटे, अब सबको एक एक पौधा दिया गया और उस पौधा को लेकर के अपने अपने लोग घर गए। उसमें पान का भी था कि अब पान आप घर में कैसे लगा करके उससे भी कमाई कर सकते हैं। लोग ले गए और बड़े खुश नजर आए। और छोटे छोटे पौधों का यहाँ 50 तरह का पौधा जो है उपलब्ध है, जिन्हें नए हो वे आकर के ले जाएं और घर में पौधा लगाएं। उसके लिए जमीन की भी जरूरत नहीं आपको है, आप घर में गमला में लगा सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं।